अभिषेक भाई यही है। पूरी करो, पूरी करो। शिमला के टॉलेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज जो JBT और DLED के जो प्रशिक्षु हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर शिमला पहुंचे हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट का जो है डिसीजन आया है कि BED के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो अब पहली से लेकर पांचवी तक के जो क्लासेस हैं उनको पढ़ा सकते हैं, तो उसी के अगेंस्ट जो है इन्होंने रोष जाहिर किया है कि JBT के अगेंस्ट अगर वो लोग पढ़ाएंगे तो JBT प्रशिक्षु जो हैं वो कहाँ जाएंगे। तो यही इनकी मांग है कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, कोर्ट में जो है वो दस्तक दे, इनके फेवर में जो है कोर्ट में अपनी दलील दे, ताकि इन लोगों को जो है नौकरी मिल सके। क्योंकि अगर BED के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो अगर पहली से लेकर पांचवी तक के छात्रों को पढ़ाएंगे तो JBT के जो प्रशिक्षु हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ जो है वो आ जाएंगे। शिमला से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज JBT और DLED के जो प्रशिक्षु हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, पहली से लेकर पांचवी तक की जो कक्षाएं हैं अब उनको BED के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, तो यही इनकी मांग है कि सरकार इस पर इंटरवीन करे और BED को जो है उससे बाहर किया जाए। Justice for JBT! 1, 2, 3, 4! BED ko karo bahar!
की संख्या में जो है यहाँ पर ये जेबीटी प्रशिक्षु और डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं वो पहुँचे हैं और सरकार के खिलाफ जो है जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। अब इनको चुप करा दो, चुप करा दो, चुप करा दो, जब ही बोलेंगे। नाम बता दो पहले तो। मैं अभिषेक ठाकुर, जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित रोजगार संघ से प्रदेश अध्यक्ष। अभिषेक जी, आज आप लोग पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है और क्या डिमांड है आपकी? देखिए, एक तो अभी जो माननीय हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आया था जिसमें बीएड वालों को यहाँ पे जेबीटी में शामिल किया गया। पिछले 3 वर्षों से हम जो है काफ़ी इस विषय से जूझ रहे थे, इसमें जो बीएड वालों को जेबीटी में शामिल करने के लिए, लेकिन हम इसका कड़ा विरोध कर रहे थे कि जेबीटी में जो है जेबीटी की टीचर लगनी चाहिए और बीएड वाले जो है बीएड के लगनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो है जेबीटी के अलग से कॉलेज खोले गए हैं, अलग से ट्रेनिंग होती है, अलग से डायरेक्ट और प्राइवेट कॉलेज हैं, 40 कॉलेज यहाँ पे सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उसी तरह से जो है यहाँ पे बीएड वालों के अलग से कॉलेज हैं, तो दिखती सी बात है कुछ ना कुछ तो डिग्री और डिप्लोमा में यहाँ पे अंतर होगा, ट्रेनिंग में डिफरेंस होगा यहाँ पे, इसीलिए जो है 40 कॉलेज अलग से खोले गए हैं, बीएड वाले कॉलेज अलग से हैं। और भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि जेबीटी के लिए जो 12th जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे होती है और बीएड वालों के लिए जो है ग्रेजुएशन होती है, और जेबीटी जो है आपके उसमें जो 5 उसमें टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं और बीएड में हमारे 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो इस चीज़ के पीछे हमारा यहाँ पे एक कड़ा संघर्ष चला हुआ था। अभी पिछले 3-4 दिनों पहले जो एक डिसीजन माननीय हाईकोर्ट द्वारा आया, इसमें हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो जस्टिस हो रहा है ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो एक तर्क संगत नहीं है, क्योंकि एक अगर जस्टिस होना चाहिए तो पूरे देश में एक प्रकार का जस्टिस होना चाहिए, जहाँ पे 3 दिन पहले जो है, 1 दिन पहले जो है हमारा राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन होता है उसमें बीएड वालों को जेबीटी से बाहर किया जाता है, उसी नोटिफिकेशन को यहाँ पे वहीं पर रद्द किया जाता है, हिमाचल में उस नोटिफिकेशन के बेस पे जो है जेबीटी में बीएड को शामिल किया जाता है। तो अगर जेबीटी जब उस नोटिफिकेशन को 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन को जोधपुर हाईकोर्ट जब रद्द करता है, तो हिमाचल हाईकोर्ट ने उस बेस पे यहाँ पे बीएड वालों को कैसे शामिल किया? अगर जस्टिस वहाँ भी जैसा है तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, एक तो हमारा ये भी क्वेश्चन है, और दूसरा अगर हिमाचल सरकार सच में ही
अगर जेबीटी का कॉलेज चलाना चाहती है, जेबीटी के बारे में कुछ बोलना चाहती है, जेबीटी के शिक्षु जो यहाँ पे 40 से 50,000 जो यहाँ पे बेरोजगार पड़े हुए हैं और लगातार हर साल 3500 से 4000 के तकरीबन जो हर साल ट्रेनीज यहाँ पे ट्रेनिंग करके आते हैं, उनके लिए जो है सरकार हाईकोर्ट में भी रिव्यू डाले और साथ में जरूरत पड़ती है तो SLP सुप्रीम कोर्ट में भी डाले, क्योंकि पहले भी देखा गया हुआ है कि माननीय हाईकोर्ट माननीय जो सरकार है पहले भी पैरा पैट और SMC जैसे केसेस के लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी हुई है। तो अभी हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो इनके द्वारा जो 40 के 40 जो कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं उनके पीछे कुछ संज्ञान लें और ठोस कदम उठाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अभी 3 दिनों से लगातार क्लासेस का वॉकआउट जारी है और आगे भी कंटिन्यू ये तब तक रहेगा जब तक कि सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है। अभी देखिए आज हमने जब पूरे HP से यहाँ पे रैली का एक आयोजन किया था जिसमें हमने कल परमिशन भी ली थी, लेकिन आज एक अचानक से जो है हमारी परमिशन को जो है यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया गया है, तो एक बहुत ही बुरी यहाँ पे चीज़ है जो जिसके लिए जो पूरे हिमाचल से जो है डाइट और राइट के और प्राइवेट कॉलेज के जो ट्रेनीज हैं यहाँ पे अपना जो प्रदर्शन करने आए थे ताकि जयराम सरकार तक जो हमारी आवाज आसानी से पहुंच सके। अब क्या करेंगे आप, सचिवालय जाएंगे क्या करेंगे? अभी देखते हैं सर, आप हमारी और भी काफ़ी कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, अभी 300-400 के तकरीबन यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और 300-400 के तकरीबन और भी बच्चे आ रहे हैं, अभी हम जो है सेक्रेट की और यहाँ से रवाना होने की कोशिश करेंगे, अब देखते हैं अभी क्या बने। तो जिस तरह से आपने इनको सुना, एक ही इनकी मांग है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है जिसमें BEd के जो प्रशिक्षु हैं उनको जो है 1ली से लेकर 5वीं तक जो है वो अनुमति मिल गई है पढ़ाने की, यानी JBT के अगेंस्ट में वो पढ़ा सकते हैं, तो इनकी मांग है कि सरकार इस पर जो है वो रिव्यू पिटीशन डाले, अगर जरूरत महसूस हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जो है वो दायर की जाए, क्योंकि लगभग 45 से 50 हज़ार जो हैं बेरोजगार JBT प्रशिक्षु जो है हिमाचल प्रदेश में हैं जो नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे में अगर BEd जो है इनके अगेंस्ट आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको बेरोजगारी जो है वो झेलनी पड़ेगी। शिमला के टॉलेंट में जो है ये एकत्र हुए हैं JBT प्रशिक्षु और सचिवालय इनका मार्ग था लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई है, अब देखना होगा क्या कुछ अगली जो है वो रणनीति रहती है। मांग यही है कि JBT के अगेंस्ट जो BEd को लेकर एक डिसीजन आया है उसके खिलाफ जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है हाईकोर्ट में डाली जाए। Yeah!
वो सीधी लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं शिमला से, जहाँ पर आप डिप्टी प्रशिक्षु जो है वो पहुँचे हैं और जबरदस्त नारेबाजी जो है यहाँ पर चल रही है। डिमांड एक ही है, जिस तरह से डिप्टी के अगेंस्ट जो है बीएड को पढ़ाने की अनुमति जो है हाईकोर्ट की तरफ से मिल गई है, और उसी को लेकर जो है इनकी मांग है कि रिव्यू पटिशन जो है वो सरकार की तरफ से डाली जाए। और जो हिमाचल प्रदेश में जेबीटी प्रशिक्षु हैं लगभग 45 से 50 हज़ार की इनकी संख्या है, और हर साल जो है 3 से 4 हज़ार जो हैं जेबीटी प्रशिक्षित जो हैं वो होते हैं, ताकि इन लोगों को भी रोज़गार मिल सके, ऐसी इनकी डिमांड है। पढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसको लेकर जो है रिव्यू पिटीशन डाली जाए सरकार की तरफ से, और मांग की जाए कि जेबीटी के अगेंस्ट जो है बीएड को अनुमति ना हो, ताकि क्योंकि लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के जो कॉलेजेस हैं वो चल रहे हैं, और साल 3 से 4 हज़ार जो है जेबीटी की प्रशिक्षण जो है वो लेते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद जो है टीचिंग की जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन अब बीएड को भी उसके लिए जो है एलिजिबल कर दिया है। तो यही इनकी मांग है कि बीएड को जो है उस दायरे से बाहर किया जाए, और इनको जिस तरह से जेबीटी को पढ़ाने की अनुमति होती है 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट को, वो पहले की तरह हो और रोज़गार जो है इनको मिल सके। फिलहाल के लिए आप इसी अपडेट और इसी तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं, आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब के श्रीमाचल के साथ।